गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटे, हम जो हैं कल क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है और उसने दिया हुआ है कि ग्लिसरॉल जो है वो सॉल्यूशन में 25% है बाई वेट। बाई वेट का मतलब है डब्लू बाई डब्लू। अब ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो 25% है, मतलब जो परसेंटेज है, सबसे पहले आप उसे उठाओ। वो इसने दिया 25% बाई वेट ऑफ ग्लिसरॉल, तो इसका मतलब क्या है? 25% बाई वेट कह दो या डब्लू बाई डब्लू ग्लिसरॉल, यानी कि C3H8O3। क्या मीन्स है, क्या मीन्स है कि 25 ग्राम ग्लिसरॉल डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम इन सॉल्यूशन। मतलब क्या कि 25 ग्राम जो ग्लिसरॉल है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुली हुई है। इसका मतलब क्या, अब ये बताओ आप, जैसे क्या क्या कि मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट यो ग्लिसरील, तो कितना बेटे, 25 ग्राम। अब 100 ग्राम क्या है, किसका मास है, सोल्यूशन का। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना, 100 ग्राम। अब मुझे ये बता दो इससे कि मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाओगा, मास ऑफ सोलवेंट, सॉरी सोलवेंट। भाई सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना, सोल्यूट और सोलवेंट। जब सोल्यूशन 100 है और सोल्यूट 25 है, तो सोलवेंट कितना होगा, 75। कितना होगा, 75। ठीक है जी, 75 ग्राम। और ये सोलवेंट है ना, ये वाटर है, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है बेटे वाटर। अगर इंडिकेट नहीं कर रखा ना कहीं कि भाई इसमें जो सोलवेंट किस में मिलाया गया, तो वो वाटर ही है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता। तो अब इसमें क्या है, अब मेरे पास सॉल्यूट का वेट आ गया, मास आ गया, सॉल्यूशन का आ गया और सॉल्वेंट का आ गया। अब ये देखो पूछ क्या रहा हो, अब वो पूछ रहा हमसे, क्या पूछा था उसने, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के लिए तो मुझे पता है कि मोल चाहिए और दो इसमें होगा, सॉल्यूट क्या होगा, ग्लिसरॉल, और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर हो गया। तो सबसे पहले जो है आप ग्लिसरॉल के लिए लें, फॉर ग्लिसरॉल जी। देखो बेटे W1 कितना ऊपर दे रखा, 25 ग्राम। चलो M1 निकाल लो हैं इसका, ग्लिसरॉल का कितना होगा, C3H8O3 कितना होगा बेटे, M। C का कितना होता, मैंने बताया था C का 12, H का 1 और O का 16, इन्हें याद रखो। तो 12, C का कितना 12, तो 12 की 3 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 36। प्लस H का 1 होता है लेकिन 8 है, O का कितना 16, 3 जा 48, कितना हो गया 48। तो ये कितना आ गया, 92 आ गया। कितना आ गया बेटे, 92। चलो जी, तो ये कितना आ गया, 92। अब इससे देखो इसने पूछा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मुझे मोल चाहिए, तो यही निकाल लो, मोल N1 इक्वल टू W1 अपॉन M1। तो कितना आ जाएगा बेटे, W कितना, 25 अपॉन 92। इसे सोल्व करके कितना आया होगा, 0.27, ये आ गए मोल। चलो जी, अब किसके लिए निकाल लूँ, फॉर वाटर। तो वाटर में W1 2 कितना बेटे, वाटर का ऊपर देखो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट 75 ग्राम। बेटे M2 कितना, वाटर का तो 18 जान गए होंगे सभी, H2 होगा तो 1 × 2 प्लस 16 कितना आएगा, 18। N2 निकाल दो बेटे इससे, तो कितना आ जाएगा, W2 अपॉन M2। W2 कितना, W2 है आपका 75 अपॉन M2 कितना, तो इसे सोल्व करके कितना होगा, 4.17। तो मेरे पास किस किस के मोल आ गए, मेरे पास ग्लिसरॉल के मोल भी आ गए और वाटर के भी आ गए। अब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ग्लिसरॉल का, तो ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन देखो, किसका मोल फ्रैक्शन,
ग्लिसरॉल का C3H8O3। तो बेटे ऊपर किसके मोल आओगे, ग्लिसरॉल के, और नीचे टोटल मोल। देखियो कितने N1 अभी करे थे पीछे, N1 है आपका 0.27 और N2 4.17। तो N1 कितना है आपका 0.27 अपॉन 0.27 प्लस 4.17, ये आ गया जी। अब ये कितना होगा 0.27, इसे दोनों क्या कर लो, ऐड कर लो, कितना आ गया बेटे 4.44। सोल्व करके कितना होगा 0.061, यह आ गया इसका मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लिसरॉल का। आप वाटर का भी निकाल सकते हैं, ऊपर क्या रखो N2 अपॉन N1 प्लस N2। या एक काम करो, दो कंपोनेंट है ना, अरे ग्लिसरॉल का तो ये है, तो वन में से माइनस कर दो ना, वाटर का आ जाएगा, वन में से माइनस कर दो वाटर का आ जाएगा। हमें पता कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है उन सबका मोल फ्रैक्शन को ऐड करके जो वन हो। तो भैया दो कंपोनेंट है, एक का ही आ, तो दूसरे का निकालना हो तो वन माइनस कर दो, लेकिन उसने हमें ग्लिसरॉल का पूछा था, तो इसलिए हम जो है ग्लिसरॉल का हमने बता दिया। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है जी, ये रहा 10 देखो। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो भैया इसने तो इसमें मोलैलिटी पूछ ली, और मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, इसने पूछ ली तीन बात। अब तीन बात पूछने के लिए अब इसमें देखो आपको इसमें क्या दे रखा, मैंने बताया था कि जो परसेंटेज वाला हो सबसे पहले उसे उठाओ। आओ भाई 10% W/W को उठाओ, सबसे पहले इसे उठाओ। तो इसका क्या मतलब है 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो मुझे एक बात यो बता दो कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 10 ग्राम, चलो मास ऑफ सॉल्यूशन बता दो कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। एक काम करो, साथ के साथ सॉल्वेंट को निकाल लो, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 10 90, भाई एक 10 है तो दूसरा 90, तभी तो सॉल्यूशन 100 हुआ होगा। तो ये हमने तीनों चीज निकाल ली। अब आप ये देखो कि भाई हमें पूछ क्या क्या रहा, वो भाई वो हमसे मोलैलिटी पूछ रहा, ठीक है, चलो जी मोलैलिटी में हमें जो है W चाहिए और V चाहिए, V है नहीं तो उसने V निकालना पड़ेगा, तो V के लिए कुछ दे रखा होगा, डेंसिटी दे रखी होगी, दे रखी डेंसिटी इसने, चलो जी मोलैलिटी, मोलैलिटी तो निकल जानी इसी सी भाई, फॉर्मूले में रखा है वैल्यू सारी दे रखी, छोटा W भी दे रखा, बड़ा W भी दे रखा, उसे केजी में बदल लेंगे। अब एक काम करो, पहले आप इसने मोल फ्रैक्शन भी पूछा, तो मोल फ्रैक्शन में भी देखो मोल चाहिए, मोलैलिटी में भी मोल चाहिए और नॉर्मेलिटी में मोल चाहिए। भैया एन कोई तो W/M बाद में तो करें हम, और मोल फ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो एक काम करो आप पहले मोल ही निकाल लो, क्या निकाल ले, मोल निकाल लो। कैसे, देखो जी मोल निकाल लो, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट भी है, तो मोल हो किसके मोल निकाले पहले, ग्लूकोज के और फिर वाटर के।
ग्लूकोज के निकाल लो। एक बात बताओ, ग्लूकोज के लिए W दे रखा ना 10 ग्राम, और M ग्लूकोज का निकाल लेंगे, तो N1 निकाल लो बेटे। पहले N1 कितना आ जाओगा, W1 upon M1। तो ग्लूकोज के मोल निकाल लें, तो सारी चीज़ किसकी लिखी जाएगी, ग्लूकोज की तो लिखी जाएगी। सोल्यूट कौन है, ग्लूकोज ही तो है, तो कितना 10। M कितना होगा ग्लूकोज का, निकाल के देखो भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है बेटे, निकाल लो। C का कितना 12 × 72 प्लस H का कितना 1 × 12 = 12, O का कितना 16 × 96, देखो कितना होगा, 6 × 2 = 8 × 2 = 10 × 9 = 10 × 17 = 18, कितना आ गया 180 आ गया। चलो जी 180, 10 upon 180, इसे सोल्व कर लो कितना आ गया, तो 0.0555 ये आ गया। चलो जी अब भैया दूसरा क्या है सॉल्वेंट, वाटर ही है भाई, ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये, ठीक है जी। और वैसे भी वाटर सॉल्यूशन दे रखा है, और देखो वाटर इज लिबेड एज 10% W/W, तो सॉल्वेंट क्या है वाटर। तो अब क्या काम करो, तो मोल्स ग्लूकोज के तो निकल गए, तो मोल्स ऑफ वाटर वाटर के निकाल लो। N2 कितना आ जाओगा, W2 upon M2, बेटे W कितना, W2 वाटर है ना, तो वाटर सॉल्वेंट ही तो है, तो सॉल्वेंट का तो ये रहा ऊपर, कितना 90 upon M, कितना होगा वाटर का सबको बता कितना हो 18, तो कितना आगा 5 मोल आ गए जी। चलो जी मोल तो मैंने निकाल लिए, मोल ही मुझे चाहिए थे। अब एक काम करो, जो 90 जो है ना वो ग्राम में है, किस में, ग्राम में। अब एक एक चीज निकालते चलो, जैसे कि सबसे पहला आप जो है मोलेलिटी निकाल लो। तो मोलेलिटी का क्या फॉर्मूला हो, N upon WKG। N किसके, सोल्यूट के मोल, वो तो जी मैं निकाल चुका पहले ही, सोल्यूट कौन था ग्लूकोज है ना। अब एक बात बताओ, ग्लूकोज के मोल कितने आए थे, ये रे 0.0555। अच्छा जी अब WKG में चाहिए किसका, सोलवेंट का, भैया सोलवेंट का तो मेरे पे दो है, सोलवेंट का जो था W वो तो मेरे पास 90 ग्राम था, और मुझे चाहिए किसमें, किलोग्राम में, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि मोलेलिटी में किलोग्राम में चाहिए ना, तो मैंने क्या कर लिया किलोग्राम में बदल लिया। चलो तो रख दो 90 upon, जब अपॉन 1000 करूँगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा ना, ये पहुँच गया जी। अब इसे क्या है, इसे सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद में क्या आ जाओगा, इसे सारे को सोल्व करके ये आ जाओगी आपकी मोलेलिटी, क्या जाएगी बेटे मोलेलिटी, एम लिख दो मोलल, ये आपकी मोलेलिटी आ गई। अरे भैया फॉर्मूला देखो ना, मोल चाहिए थे किसके, मोल किसके मोल चाहिए थे, सॉल्यूट के, सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल मैंने पीछे निकाल लेते अभी, ये रे मेरे, उसके बाद क्या WKG में जी है मेरे पास, केजी क्या है, डब्ल्यू क्या है, सोलवेंट का मास, और सोलवेंट का तो मैंने निकाल रखा 90 ग्राम, लेकिन वो तो ग्राम में है, मोलेलिटी में तो किलोग्राम में जी है, तो 1000 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये इसमें डिवाइड करूंगा तो ऊपर पहुंच जाओगे, कैलकुलेशन सोल्व कर लियो ये आ जाओगा। चलो जी नंबर 2 पर आ जाओ, अब मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो भैया निकाल देंगे C6H12O6, लेकिन ऊपर किसके मोल आओगे, ग्लूकोज के, और नीचे क्या मोल आओगे, टोटल मोल। N1 कितना, N1 अभी निकाला था हमने 0.055, अच्छा N1 0.0555 प्लस N2 कितना, N2 भी निकाला था कितना 5। चलो जी अब इसे सोल्व कर दो, इसे सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 0.01,
तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का ही तो पूछा था, यह सभी का पूछा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। अच्छा तो उसका भी निकाल देंगे हम, ग्लूकोज एंड वाटर लिख लो यहाँ। तो हमें तो बता, हमें क्या जरूरत है N2 / N1 N1 - N2 लगाने की। हमें तो बता क्या कि दो जो है ये ग्लूकोज और वाटर है दोनों का कितना हो वन, तो 1 - 0.01 कर दो भाई, दोनों का जोड़ के कितना होगा 1 आओगा, तो एक में से जब माइनस कर दो तो किसका आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। जो आ गया जी, वाटर का भी आ गया मोल फ्रैक्शन और ग्लूकोज का भी आ गया, मोलरिटी ऊपर आ गई। अब तीसरा देखो जी क्या निकालना, तीसरा भैया हमें मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलरिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, M = N/V चाहिए, और N क्या है सोल्यूट का मोल, तो सोल्यूट के मोल तो है मेरे पास, निकाल लेते थे 0.0555/V नहीं है भाई, तो V के लिए डेंसिटी दे रखी होगी, ये देखिए 1.2 ग्राम। तो यहाँ देखो D कितना दे रखा 1.2 ग्राम/ml। अब एक बात बताओ, जब डेंसिटी दे रखी तो एक फॉर्मूला हो क्या D = W/V, तो V निकाल लो इससे W/D। अब एक बात बताओ डेंसिटी किसकी दे रखी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम किसका आओगा सॉल्यूशन का, तो भैया W भी किसका रखा जाओगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का W कितना 100। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इनको जी ये तो W ये तो सॉल्यूट का था आपने लिखा था पहले, भैया सॉल्यूट का है वो, इसे ध्यान रखो जो फॉर्मूला अलग लगा इसमें जो है ना, जब डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी मुझे वॉल्यूम लीटर में चाहिए किसका सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसका चाहिए सॉल्यूशन का, तो भैया W भी सॉल्यूशन का ही रखा जाओगा, वो डेंसिटी कितनी होगी 1.2, तो कितना आ गया 83.33 ml आ गया। जब ग्राम पर ml में डेंसिटी तो ml में होगा, लेकिन एक दिक्कत हो रही कि मुझे तो इसमें लीटर में चाहिए, तो क्या दिक्कत है बदल लेंगे, कितना आ जाओगा कर दो जी 1000 से डिवाइड, कितना आ गया 83 को लीटर में बदलने के लिए 0.0833 आ गया के आसपास आ गया, इतना आ गया जी, 1000 से डिवाइड कर दिया भाई लीटर में आ गया वो। चलो जी रख दो वैल्यू, अच्छी तो रख रखा ना, हाँ कितना आ गया 0.0833 दशमलव से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.67 mol/L। ये तुम्हारा आंसर आ गया जी। तो बेटे ध्यान रखो हमेशा कि न्यूमेरिकल में क्या दे रखा, क्या पूछ रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल हैं, जैसे ये होता 10% W/W है ना, तो सबसे पहले तो इसका अर्थ लिखो कि इसका मीन्स क्या है। इसका मीन्स ये हो रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व है, तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया 10 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा 90 ग्राम। उसके बाद क्या पूछ रहा, उसमें किस चीज़ की जरूरत चाहिए वो देख लो। इसने मोलरिटी पूछा, मोल फ्रैक्शन पूछा और मोलरिटी पूछा, तो मोल फ्रैक्शन में हमें मोल चाहिए, मोलरिटी में भी मोल चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इनको जी आपने तो जो है मोलरिटी में पहले तो फॉर्मूला लगाया था W/M × W/Kg, और मोलरिटी में लगाया था आपने W/M × V और यहाँ N/V। भैया ये मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मुझे मोल चाहिए थे, मुझे मोल जब भी निकालने पड़ते, तो मैंने एक काम करा मैंने पहले जो है शुरू में मोल ही निकाल लिए, और अब के इनके जो फॉर्मूले रखे वो मोल के रूप में रख दिए, इनके सोल्व कर दिए जी हमने। तो बड़े अच्छे तरीके से अच्छा न्यूमेरिकल था, इन्हें ध्यान रखो है ना, अच्छा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट देखो जी आप, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। मोलरिटी पूछ रहा जी सल्फ्यूरिक एसिड की, मोल फ्रैक्शन दे रखा वाटर का।
अच्छा बेटे, मोलिटी हो क्या? अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आओगी, क्या 11 क्वेश्चन है वो, एक बात आओगी, भाई मोलिटी पूछ रखा, मोलिटी में जो है हमें तो जी भैया मोल चाहिए, अब मोल का तो कुछ मुझे दिखाई ना दे रहा, मोल फ्रैक्शन दे रखा इसने, तो मैं मोल कहाँ से लाऊँ? तो मोलिटी की डेफिनेशन देखो आप, क्या हो मोलिटी की डेफिनेशन? मोलिटी की डेफिनेशन यो है क्या कि एक केजी सोलवेंट में, एक केजी सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल हैं, सोल्यूट के कितने मोल हैं, सोल्यूट कौन है, H2SO4, H2SO4 के कितने मोल हैं, वही क्या होगी, मोलेलिटी होगी सॉल्यूशन की। तो बेटे अगर आपने एक केजी सोलवेंट में H2SO4 के मोल निकाल दिए ना, तो वो उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी होगी। बात को समझो, मोलेलिटी की डेफिनेशन बजाओ कि एक केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, वही मोलेलिटी है। तो मैं सोल्यूट के अगर मोल निकाल दूं ना, तो वो मोलेलिटी होगी, कितने में, पर एक केजी सॉल्वेंट में। देखो तो क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले तो यही देखेंगे क्या दे रखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना दे रखा बेटे, 0.85। अच्छा एक बात बताओ, वाटर है, वाटर का दे रखा मोल फ्रैक्शन, दूसरा कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मुझे बता सको आप कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का कितना आ जाएगा, एक में से माइनस कर दो, हमें बता दोनों का एक हो कितना आ जाएगा बेटे, 0.15, ये आ गया जी। अब मोल फ्रैक्शन आ गया, अब एक बात बताओ ना, इतनी जानकारी तो थी मेरे पास, मैं मोल फ्रैक्शन H2SO4 का निकालने लगूँ किसका, तो क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर किसके मोल आओगे H2SO4 के, और नीचे किसके आओगे, टोटल मोल, यानी कि कौन कौन टोटल किसके हैं, H2SO4 के और प्लस H2 हो गए, ये आओगे जी। अब इसमें क्या है, अगर आपने क्या निकाल दिया बेटे, आपने अगर यो निकाल दिया ना H2SO4 के मोल कितने में, पर एक केजी सॉल्वेंट में, तो आपकी मोलिलिटी आ जाओगी। तो इसे आप पहले से इक्वेशन मन मन मान लो। अब आप एक काम करो, जो मैंने आपको बताया था कि एक केजी सॉल्वेंट में जितने भी सॉल्यूट के मोल होंगे वही क्या होंगे, एक बार बताओ, वाटर के मोल निकाल लो आप, वाटर के मोल निकाल लो कितना होगा, डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू कितना होगा 1000 ग्राम, अपॉन एम कितना होगा 18। अब एक बात आ रही होगी ध्यान में, क्या नुको जी 1000 कहाँ से लिख दिया, एक बात बताओ, इससे पहले आप एक लाइन लिखो तब आओगे तुम्हारी समझ में, हो क्या कि मोलेलिटी, मोलेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन मींस क्या, क्या हो मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 kg, या मैं कह दूं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, दस वी फाइंड क्या करेंगे, मोल निकाल लो किसके, H2SO4 के, तो मोलिलिटी हो जाती है, अब वो निकाल लेंगे, लेकिन कैसे, अब हमें बता कि मोलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि H2SO4 के जो मोल प्रेजेंट है एक केजी सॉल्वेंट में वही क्या मोलिलिटी है। तो मैं भैया मोल निकाल लूँ H2SO4
H2O के मोल कैसे निकलेंगे WYM, W कितना 1000 बताया था ना, और ये कितना 18, तो कितना आ गया 55.55 मोल। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या, इसे ऐसी नोट कर लो, चलो H2SO4 इक्वल टू NH2SO4 अपॉन, पहले ऐसी नोट कर लो एक बार, प्लस NH2। देखो बेटे H2SO4 का मोल फ्रैक्शन निकाल चुका मैं ऊपर, कितना है 0.15। चलो जी NH2SO4 ये तो निकालना ही है, क्यों भैया एक केजी सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल होंगे वही तो मोलेलिटी है, मोलेलिटी पूछ रहा मेरे से, तो मैंने एक केजी सॉल्वेंट ही नहीं तो रखा 1000 ग्राम, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम में 1000 ग्राम वाटर में मुझे ये बताना सॉल्यूट कितने मोल है सॉल्यूट के, वो मोलेलिटी होगी, तो तभी तो मुझे NH2SO4 निकालना। देखो तो NH2SO4 ये तो निकालना ही है, NH2SO4 दो, NH2 निकाल लिए, निकाल लिए जी। चलो जी अब जो है इसे सॉल्व करो सारे को, अब सॉल्व कैसे करोगे देखो जी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो NH2SO4 तो यहीं रखो, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो, तो 0.15 इंटू NH2SO4 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 55.55 इंटू 0.15 हो गया जी। अब एक काम करो, इसे आप इधर ले आओ NH2SO4 माइनस 0.15 NH2SO4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 55.55 इंटू 0.5, इसमें से कॉमन ले लो NH2SO4, तो कितना बचेगा 1 माइनस 0.15 इक्वल टू 55.55 इंटू 0.15। अब इसे इसमें से माइनस कर लो, ठीक है जी। अब कितना बचेगा ये देख लो, 15 निकाल लो, 5 यहाँ बचा 9 में से गया, और 0.85, तो ये कितना बचा NH2SO4 इंटू 0.85 इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर का होगा 8.3325। अब क्या करो NH2SO4 इक्वल टू कितना आ जाओगा 8.3325 अपॉन 0.85, इसे क्या कर दो 9.8 मोल्स, यानी कि मोलेलिटी कितनी आ गई, मोलेलिटी आ गई कितनी 9.8 एम, समझिए बेटे। तो इसने क्या दिया था कि कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या दे रखा था, मोल फ्रैक्शन दे रखा था वाटर का, तो मोल फ्रैक्शन मैंने लिख लिया, मुझे बता जब दो है तो वन माइनस करके आ जाओगा। अब इसने जो है अब मोलेलिटी पूछ रहा, मुझे बता कि एक केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल होंगे वो मोलेलिटी होगी, मैंने वही तो काम करा, मैंने एक केजी सॉल्वेंट यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल ही तो निकालने हैं NH2SO4, वही तो मोलेलिटी है, बस जो तरीका निकालने का H2SO4 का मोल फ्रैक्शन ऊपर, H2SO4 के मोल नीचे, टोटल मोल वाटर के मोल मैंने निकाल लिए क्योंकि मुझे मोलेलिटी निकालनी है 1000 ग्राम में, आ गया इसमें ऊपर वाली डायरेक्शन में रख दिए, कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखो 12वें से पहले 13 क्वेश्चन देखो, 12 से पहले 13 क्वेश्चन देखो, ये आसान है 13 क्वेश्चन पढ़ो इसे एक बार करांगा भी। कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ 20 ml ऑफ NaOH दैट एक्चुअली न्यूट्रलाइज दी 50 ml ऑफ 0.02 N H2SO4। देखो इसका न्यूमेरिकल, इसका ये इस तरीके से है, इस न्यूमेरिकल पे बेस है, इस फॉर्मूले पे N1V1 = N2V2। अब इसने क्या दे रखा है ये देख लो, किसकी वैल्यू दे रखी इसने, N1 देखो कितना दे रखा, N1 कितना दे रखा, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.02 दे रखा, 0.02 N2 पूछ रहा, V1 कितना दे रखा, V1 दे रखा जी आपका 50 और V2 कितना है 20, V2 कितना है 20, ठीक है। तो आसान ही है, तो ये रहा ML भी रहने दो, क्योंकि जब फॉर्मूला यू है तो दोनों तरफ ML होगा, तो कोई दिक्कत ना, कट भी जाएगा। तो क्या कर दो, लगा दो जी, तो क्या पूछ रहा, N2 पूछ रहा ना, तो N2 कितना आ जाएगा, N1 V1 / V2, रख दो वैल्यू 0.02 × 50 / V2 कितना 20, सोल्व कर लो 0.5, ये आ जाएगी, ठीक है बेटे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मोलरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.8 m एंड इट्स डेंसिटी इज 1.06 g/cm - 3, व्हाट विल बी इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी पूछिए जी भैया, मोलरिटी में तो मुझे जो है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का क्या चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट चाहिए केजी में, और मोल चाहिए किसके, सॉल्यूट के। अब ये कैसे मिलेंगे देखो जी, अब इसमें जो है मोलरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.8। एक बात बताओ आप, मोलरिटी क्या हो, मोलरिटी क्या होती है कि एक लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व होंगे वही क्या होगी, मोलरिटी होगी। मोलरिटी दे रखी ना 0.8 m, इसका क्या मतलब है कि एक लीटर सॉल्यूशन में 0.8 मोल H2SO4 है। तो इसका मतलब लिखो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या, कि 0.8 m कैपिटल M H2SO4 मींस क्या कि 0.8 मोल H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन मोल दे दिए सॉल्यूट के। चलो जी मोल तो मुझे चाहिए थे, मोल चाहिए थे ना। अब क्या है 0.8 m H2SO4 मीन्स, चलो सॉल्यूट के मोल तो हो गए जी, अब मुझे क्या निकालनी, मोलेलिटी निकालनी जी। तो अब इसमें क्या काम करें हैं, सॉल्यूट के मोल हो गए, सॉल्वेंट की केजी में वैल्यू कहाँ से लाऊं मैं भाई। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलेलिटी का फॉर्मूला है N/WKg, यही तो है। मोल तो मैंने निकाल लिए रे, 0.8 मोल है, इसका मतलब यो है 1 लीटर में, लेकिन WKg कहाँ से लाऊं, WKg के लिए कैसे निकलेगा WKg। अब एक काम करो आप, इसने कुछ दे रखा क्या, डेंसिटी वगैरह कुछ दे रखी क्या, देखो इसने डेंसिटी दे रखी, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी। तो एक काम करो, यो तुम्हें पता क्या कि D = W/V, ठीक है, ये तो पता है ना, V दे रखा सॉल्यूशन का,
डेंसिटी वी तो दे रखा है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और क्या दे रखा, डेंसिटी दे रखी ग्राम पर एमएल में, तो मैं डब्ल्यू निकाल लूँ। डब्ल्यू किसका आयो, सॉल्यूशन का आयो, जब भैया डेंसिटी किसकी दे रखी, सॉल्यूशन की, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डी इन टू वी। अब एक बार बताओ डेंसिटी कितनी, देखो 1.06। अब वी देख लो, वी लेकिन यो लीटर में, इसमें डी, इसमें एमएल में रखा जा, तो 1 लीटर को एमएल में चेंज कर लो ना 1000। बेटे इसमें जो है, इस वाले फॉर्मूले से मैंने जो है सॉल्यूशन का डब्लू निकाल लिया, सॉल्यूशन का डब्लू निकाल लिया इस फॉर्मूले से, डी इन टू वी, डी दे रखा। अब वी तो ये तो 1 लीटर ने दे रखा, यहाँ से हिस्सा आया, लेकिन वो एमएल में रखूँगा मैं, क्योंकि एमएल तो हो, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दे रखी, तो एमएल में तो आओ, तो कितना होगा 60 ग्राम। ठीक है जी, अब देखो, अब चलो, अब एक बात तो बताओ, सॉल्यूशन का तो आ गया भैया, सोल्यूट का कहाँ से लाऊं भाई, मुझे जो सॉल्वेंट का मास निकालना, सॉल्वेंट का निकालना, मेरे पास जो है सॉल्वेंट का मास नहीं है, मैंने सॉल्यूशन को तो निकाल लिया, लेकिन सॉल्यूट का कहाँ से लाऊं, तो सॉल्यूट का कैसे निकलेगा, देखो यही देखो, एक बार बताओ एन इक्वल टू क्या हो, डब्ल्यू वाई एम नहीं होता क्या, जो मैं एस टू एस फोर के लिए निकाल लूँ, तो डब्ल्यू बताइए क्या होगा, एन इंटू एम नहीं होगा क्या, एन किसके मोल, एस टू एस फोर के कितने निकाल लेते ऊपर, 0.8 निकाल लेते मेरे ऊपर, एम कितना होगा इसका, एस टू एस फोर का 98 होगा ना, होगा कितना होगा 98, कितना आ गए हो 78.4 ग्राम। तो ये किसका डब्ल्यू, ये सॉल्यूट का है H2SO4 का, और सॉल्यूशन का है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाओगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा भैया सॉल्यूशन के में से सॉल्यूट का निकाल दो, तो कितना आ जाओगा 0.6 ग्राम, जो आ गया। लेकिन मुझे किस चीज़ में चाहिए, मुझे तो भैया केजी में चाहिए, मोलेलिटी में, तो क्या करूं, 1000 से डिवाइड करके केजी में आ गया, समझ गए। अब क्या निकालना, मोलेलिटी, मोलेलिटी निकालनी, सॉरी मोलेलिटी, तो मोलेलिटी में क्या होगा, एन अपॉन डब्ल्यू केजी। एन कितने थे बेटे, शुरू में निकाल लेते कितने थे, 0.8, कितने थे 0.8। एम डब्ल्यू कितना था, 981.6, 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाओगा, और इसे सोल्व करके कितना जाओगा, 0.815 मोल पर केजी। ये था जी, अच्छा क्वेश्चन था बेटे, ध्यान से देखो किस तरीके से करा हमने, किस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। यहाँ देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने दो दे रखा था, मोलेलिटी पूछ रखी थी, डेंसिटी दे रखी है, 0.8 एम दे रखा। सबसे पहले इसका अर्थ लिखो आप कि मोलेलिटी ऑफ H2SO4 0.8, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो है इतने मोल H2SO4 के मिल रहे। चलो जी, अब मुझे निकालना क्या, मोलेलिटी निकालनी, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला तो एन अपॉन डब्ल्यू केजी है, तो एन तो मुझे मिल गया H2SO4 के, मैं डब्ल्यू कहाँ से लाऊँ केजी में, केजी में डब्ल्यू कहाँ से लाऊँ, यो कैसे निकालूँ, ये तो तब निकलेगा अगर मुझे सॉल्यूट का मास पता हो और सॉल्यूशन का पता हो। डेंसिटी दे रखी सॉल्यूशन की, तो मैंने यहाँ से किसका निकाल लिया, सॉल्यूशन का मास निकाल लिया इस फॉर्मूले से, डी इन टू वी, डेंसिटी दे रखी, वी लीटर में हो रहा ना ऊपर 1000 लीटर, इसका मतलब ही तो यो है 0.8 एम का, कि 1 लीटर में इतने मोल है, जो एम एल में रखूँगा पर मैं इस, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर एम एल में हो, तो 1 लीटर को एम एल में कर दिया 1000 से, यो आ गया किसका आ गया, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूट का और चाहिए, तो सॉल्यूट का मुझे फॉर्मूला बताया, एन इक्वल टू डब्ल्यू वाई एम, तो डब्ल्यू निकालू सॉल्यूट का, एन इंटू एम, यस से निकल गया, एन कितने 0.8, एम किसका H2SO4 का 98, निकाल के देख लेंगे ना, बताया था ना ये, तो भाई H2SO4 का कितना होगा, H का कितना 1 2 2, H का कितना 32, 64, O का 16 4 64, 98, तो यस से रख के यो आ गया जी। अब मेरे पास सॉल्यूट का भी आ गया मास, सॉल्यूशन का भी आ गया,
इसमें से माइनस करके किसका होगा, सॉल्वेंट का, लेकिन वो ग्राम में है, मुझे चाहिए क्या है, मैं के जी में 1000 से डिवाइड कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसे करेंगे सही बच्चे ध्यान से देख कर। अब बेटे जो आगे के क्वेश्चन है ये होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। देखो 15 ग्राम सुक्रोज डिजोल्व इतने में, इसका आंसर भी दे दिया मैंने इसमें, इसे अच्छे से करना। मोलरिटी 20 ग्राम, यो भी ईजी क्वेश्चन है, ये सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें सब करना अच्छे तरीके से, मैं इन्हें बाद में मिलवाऊंगा फिर। ये पीपीएम में जो है उसके ऊपर डायरेक्ट है, उसका जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें कराया था उससे करके देख लेना, ना हो तो मैं करा दूंगा, ये भी हो जाएगा KCL। चलो ये भी ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज 1 डेसीलीटर। देखो डेसीलीटर में दिक्कत होगी आपको थोड़ा समझने में, डेसीलीटर क्या हो भाई, मैंने आपको बताया था डेसीमोलर, डेसीमोलर क्या बताया था, एम बाई 10 डेसीमोलर, डेसी नॉर्मल एन बाई 10, तो डेसीलीटर क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10 हो जाओगे, तो लीटर जो दे रखा है डेसीलीटर में वॉल्यूम हो जाएगा 1/10 लीटर, बस ये दिक्कत आओगी इसमें, इन्हें कर लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटे। धन्यवाद सही बच्चे जो है इसे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लिख के भेज दें बेटे, धन्यवाद।